बारिश का भी टाइम है, गर्मी इतनी पड़ रही है, इसी बीच में सांपों के भी सारे बंद हो चुके हैं, तो सांप अपना अपना घर ढूंढ रहे हैं, तो आबादी क्षेत्र में आ रहे हैं। अभी जैसे ही बच्चा मिले एक सैकड़ी गाँव में गाँव से बाहर ही कोई मतलब सांप घुस गया है, तो उन्होंने इसे कॉल किया और हम निकल गए। आप वीडियो के साथ बने रहिए, कौन सांप है जाके निकाल के बता दें आपको, ले चलते हैं आपको सैकड़ी गाँव। यो उपरा यहाँ यो 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 के रही घो बड़ो डबल डबल डोर मुझे पकड़ हाँ दोस्तों, हम आए सैकड़ी गांव में, बैठक आ जाएगा। क्या नाम है आपका? कवड़। फोन लगाया था कि कोई हमारे घर में कोई सांप घुस गया है, तो अब क्या है कि इसमें गलती इनकी भी नहीं है और सांप की भी नहीं है, क्योंकि इनका तो घर है तो सांप का आना लाजमी है। सांप आएगा तो इनको डर लगेगा तो ये कॉल करेंगे, लेकिन एक चीज़ और ये है कि सांप कोई मतलब इसी गलती से ना आया, ये इसी का घर है, जो जंगल टाइप है इलाका वो सांपों का घर ही होता है, तो इसमें सांपों का आना भी लाजमी है। बहुत 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 फुर्ती कर रहा है और बहुत ही पछाड़ मार रहा है, ये बहुत पलटी मार रहा है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ हो जाएगी। फिर खाई है, फेंक दी है। अच्छा, निकाल चिड़िया खा गया। हाँ अच्छा, तो दोस्तों ये बहुत ही छटपटा रहा है और गुस्सेल है, बहुत ही है, भागने के चक्कर में है। तो दोस्तों ठीक है, सांपों का आना भी ठीक है वहाँ तक भी है, लेकिन अभी जंगल है तो आ जाते हैं, जानवर कहाँ जाएंगे, अपने भोजन की तलाश में आते हैं। और यहाँ पर कुछ चिड़िया वगैरह घोंसला होगा तो चिड़िया खाने के चक्कर में आ गया था, एक चिड़िया खा गया है, तो भाई इसका भोजन हो गया, इसको हम परेशान नहीं करेंगे, उबारेंगे नहीं इसको। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जो मैं कर रहा हूँ इसी को कॉपी मत करना, ये अनुभव प्रशिक्षण और औजार के हिसाब से हम काम करते हैं, हमारे पास इसकी ट्रेनिंग है, उचित प्रशिक्षण है, जानकारी है। दोस्तों इसको बोलते हैं रेड स्नेक इंग्लिश में, यानी रेट यानी कि चूहा, चूहा खाने वाला सांप है, चूहे बहुत पसंद है इसको, पसंदीदा भोजन इसका चूहे, और ये भोजन की तलाश में हमारे गर्म घुसते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं धामन सांप, कई बोलते हैं इसको घोड़ा पचाड़, और ये भागने में बहुत तेज है और अपने शिकार के पीछे बहुत अच्छी तरह दौड़ता है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि जब कभी किसी को सांप काटे या स्नेक बाइट करे तो आपको जिला अस्पताल जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहिए, जहाँ पर सांपों का एंटीवेनम मिलता है। काट दिया ही, तो आपसे ये अनुरोध है कि झाड़ फूँक या औजार बोने के चक्कर में न पड़े, तांत्रिक के चक्कर में न पड़े, वरना आप जान गवा बैठोगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि एक बार और कि आप अंधविश्वास में ना पड़े, हमारा वीडियो बनाने का मेन मकसद ही रहता है कि लोगों को जागरूक करें, उनको उचित जानकारी दें और उनका डर और भय दूर करें। इसी के साथ इसको हम रेस्क्यू कर लिए हैं, इसको इसी अनुकूल वातावरण में ले जाकर रिलीज कर देंगे। तो आंटी बताओ। सैकड़ी खार पे कूड़ा पे तो कूड़ा पे तो बंद कर दो। तो देखो इसकी आंटी, देखो ये आंटी कहीं चली गई, यो मत कर, इसकी आंखें आगे है लेकिन पीछे भी बहुत होशियार है, ताकि अपने ऊपर अटैक कर सके, पास है थे बिल्कुल, पकड़ कर लेगा फिर कहाँ जाएंगे हम। अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम इन जीवों को रेस्क्यू करते हैं और इनके अनुकूल वातावरण ले जाकर इनको रिलीज कर देते हैं, हम सांपों के साथ या किसी जीव के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। और ये
बेजुबान जानवर है, तो हम आप सबसे यही कहते हैं कि सांपों को मारे नहीं, सांप प्रकृति का हिस्सा है। अगर सांपों को हम मार देंगे तो फिर प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बच्चा खाई तो मुँह आयो वे यहाँ फिर भाभी नहीं मेरे जाने का फिर कई बात मैं एक दिन आई थी वीडियो देखे तो कंचावन मोबाइल वो डॉक्टर साहब से भी। हाँ तो एक बात और बता रहा हूँ मैं कि हमारा यूट्यूब पे एक चैनल है प्रीति स्नैक सेवर, आप उसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक उसको शेयर करें ताकि लोगों को सही जानकारी मिले, और हमें कमेंट भी करें ताकि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो आपके लिए वास्तविकता में सही है कि नहीं है। ये 7 फीट का है, 7 फीट का है ये वास्तविकता में, ये हमारे मतलब काम कर रहे हैं, इससे आप क्या खुश हो नहीं हो ठीक है। और कमेंट भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। नहीं नहीं हम इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करते, इनको ऐसा कैसा वापिस इनके अनुकूल वातावरण ले जाए छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी सेकड़ी से मोहनलाल जी के वहाँ से एक रेड स्नेक को हम रेस्क्यू करके लाए थे। तो हमारी प्रीति स्नेक सेवर यूट्यूब चैनल जो है, इसका जो फाउंडेशन है, जो टीम है, हमारी टीम के मेंबर है हमारे महेश जी मेघवाल, जो ये इसको रेड स्नेक को रिलीज करेंगे। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा सांप है और बहुत ही अग्रेसिव सांप है ये। ये देख सकते हो तो ये 7 फीट से ऊपर का है। और हम दोस्तों ऐसा कार्य कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक सी वीडियो को शेयर करें और फॉलो करें, और आप सबका मोटिवेशन हमें मिलता रहे, आपको प्यार मिलता रहे। तो हम ऐसे बेजुबान जानवर बचाते रहेंगे, इसको इसी अनुकूल वातावरण में छोड़ देंगे। ये पूरा इधर जंगली इलाका ही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत शातिर है, इसने दो चिड़िया तो इसने निकल ली अभी। बहुत गुस्से लगे, डरना भी लाजमी है क्योंकि डर रहेगा तो डर है जहाँ पर जीते, डर से आगे जीत मिलती है। ठीक है, इसको अब खतर नहीं करेंगे और दादा, क्योंकि इसने चिड़िया को यूज़ कर रखा।